स्वास्तिक, स्वास्तिक एक ऐसा सिंबल है जो कि एक सबसे ज्यादा सिंबल्स के मामले में सबसे ज्यादा पावर क्रिएट करता है। ये यूनिवर्सल सबकॉन्शियसनेस और एक स्पॉन्टेनियस एक फ्लो के लिए ये माना जाता है, एक पॉजिटिव एनर्जी को बिल्ड करने के लिए इसको माना जाता है। स्वास्तिक के अंदर ये माना जाता है जितने भी प्रकार के सिंबल्स आते हैं जिसमें हमारे डिफरेंट डिफरेंट रीजन के डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स कनेक्ट होते हैं, स्वास्तिक इज वन ऑफ द सिंबल विच जनरेट हाइएस्ट लेवल ऑफ एनर्जी, विच जनरेट हाइएस्ट लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसीज। स्वास्तिक के अंदर वो पावर होती है। तो स्वास्तिक को हम किसी भी जोन में लगा सकते हैं, किसी भी जोन में। और स्वास्तिक का जो ग्रह है जुपिटर को है और स्पेस उसका एलिमेंट है। अब स्वास्तिक को किसी भी जोन में लगाने से क्या मतलब है? कई बार आपने देखा होगा लोग बोलते हैं स्वास्तिक को नीला पीला काला उसके जोन के एलिमेंट के हिसाब से लगाए। आपको एक सिंपल रूल बताता हूँ। स्वास्तिक का एक पिरामिड स्वास्तिक आता है, मतलब पिरामिड स्वास्तिक में पिरामिड बने होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। उस पिरामिड स्वास्तिक वो आता ब्रास का बनता है वो, ठीक। ब्रास का स्वास्तिक पिरामिड धातु पिरामिड वाला, उसको आप किसी भी दरवाजे पे लटकाएं किसी भी जोन के, वो उस जोन की एनर्जी को क्रिएट करने में आपको डिफेंड हेल्प करेगा। उसमें नीला पीला काले की कोई जरूरत नहीं है। अब अगर आपको प्लास्टिक का ढूंढना, प्लास्टिक वाले वैसे इतना ज्यादा काम करते नहीं है जो मैंने डिलीट किया, जो क्योंकि स्वास्तिक पैरामिड वाले जो आते हैं ना, एक्चुअली जतिन के भी आते हैं, स्वास्तिक जो आता है जतिन का भी है, लेकिन फिर भी समाव मुझको उसकी एनर्जी में बहुत दम नहीं नजर आता। लेकिन जो दम जो ब्रास का पैरामिड वाला स्वास्तिक है उसके अंदर नजर आया, उसके अंदर जो फील आता है, तो उसको आप किसी भी जोन में लगा सकते हैं विदाउट थिंकिंग की कौन सा डायरेक्शन है। हाउएवर अगर आप किसी को कलरफुल वाला लगाते हैं तो अकॉर्डिंग टू द कलर ऑफ द जोन ही लगाए। इसके अलावा एक चीज और, एक रेमेडी ये की नहीं रहता हूँ, आप हमेशा अपने द्वार को, अपने मेन द्वार को, उसकी एंट्रीज को हमेशा क्लीन क्लियर रखें। वहां पे एक वो आती है ना, क्या बोलते हैं, तोरण, तोरण, तो तोरण को जरूर लगाएं, ठीक। अच्छी ब्यूटीफुल तोरण जैसी आपको अच्छी लगती है, आपका गेट डेकोरेटेड गेट होना चाहिए, एक फील फैक्टर वो दे, ऐसा गेट आपका बनाए उस पे। और अपने घर के बाहर एक तख्ती जरूर लगाएं जिसपे आपका नाम, बच्चों का नाम, हस्बैंड का नाम, सबका नाम, जो घर में परिवार में लोग रहते हैं उन सबका नाम हो, ताकि वो नेम उसको रिकग्नाइज करे कि हाँ ये जो एनर्जी जोन है वो इन सब लोगों से रिलेट करती है। तो एक एनर्जी को इंडिकेशन के लिए, एक एक स्टेब्लिशमेंट के लिए है, उसको जरूर लगाएं वहां पे, ठीक है। तो ये गेट की एनर्जीज को चैनलाइज करने में हेल्प करेगी। और उसके अलावा गेट के ऊपर लोग ओम का निशान लगा देते हैं, गणेश जी लगा देते हैं। देखो सिंबल और गणेश जी में फर्क क्या है, गणेश जी जो है चौकीदार नहीं है। गणेश जी को चौकीदारी इसलिए बोल दिया था कि वो माता पार्वती के आगे वहां पे बैठे थे, तो वो चौकीदारी वहां से शुरू कर ली गई। एक्चुअली गणेश जी इज गणेश मंगल है, मतलब हर काम को शुरू करने से श्री गणेश किया जाता है। तो गणेश का चौकीदारी से कोई रिलेशन नहीं है। गणेश जी को घर के अंदर लगाएं, ठीक। बाहर किसी भी देवता का सिंबल को आप लगा सकते हो, त्रिशूल को लगाएं, चाहे ओम को लगाएं, या और जो सिंबल आते हैं जो सिखिज्म में सिंबल आते हैं या जैनिज्म में सिंबल आते हैं, उन सब सिंबल को आप यूज कर सकते हैं बाहर, ठीक है। लेकिन स्वास्तिक इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सिंबल जो हम यूज कर सकते हैं, स्वास्तिक को लगाना चाहिए। जितने भी तीज त्योहार आते हैं उसमें स्वास्तिक ही गेट पे बनाया जाता है लाल रंग से, क्योंकि स्वास्तिक के अंदर पावर क्रिएट की जाती है उस टाइम पे, ठीक है। बट वो टेम्परेरी होते हैं, वो समय के साथ धुल जाते हैं या उड़ जाता है वो, तो उसके जो मेटल का होता है ब्रास का, वो इफेक्टिवली काम करता है वहां पे। तो स्वास्तिक का पर्पज मैंने आपको बताया, स्वास्तिक के साथ किसी और चीज की जो जो है वो मैंने आपको बता दी, गेट पे क्या क्या चीज लगा सकते हैं और क्या क्या चीज लगानी चाहिए।